अभिषेक झा, सब सोच रहे हैं, बीजेपी तो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई खबर नहीं है। आपके साथ नहीं है, जयंत चौधरी के साथ यूपी में कुछ नहीं है, अभी महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, और उधर वहां कर्नाटक में भी कुछ नहीं है। आज तो चिराग पासवान मंच पे नहीं थे, मंच पर चिराग पासवान नहीं है, रैली हो रही है एनडीए की। अभिषेक, बहुत सारे सवाल एक साथ आपने कर दिए मानक जी। अभी सीट बंटवारा जो होना है वो तो तय समय पर हो ही जाएगा, आपके माध्यम से जनता के बीच मैसेज भी चला जाएगा। बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली है, ये भी एक खबर मात्र है, जब सूची जारी हो जाएगी तब इस पर प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। अब चिराग पासवान जी क्यों शामिल नहीं हो पाए आज के कार्यक्रम में, उनकी पार्टी के लोग बेहतर बता सकते हैं। मसला यह है कि आज बिहार में लंबे समय के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी एक मंच पर थे, एक सुखद सुंदर तस्वीर सामने आई, आपने दोनों ही नेताओं का जो उद्घोष का तरीका है वो देखा, और जिस तरह से एक गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं ने एक दूसरे के विषय में और बिहार के बारे में बातचीत की, उससे जनता के बीच का उत्साह भी आपने देखा। इस जुगलबंदी से, इस जोड़ी से जलने वाले लोग बहुत जलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जहां नीतीश कुमार जी का साथ बिहार में नरेंद्र मोदी जी को मिलता है और नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो मिलता है बहुत बेहतर तरीके से। 40 में से 40 सीटें इस बार फिर एनडीए की। कौन जलता है अभिषेक, पिछले बार मोदी और नीतीश की इस जोड़ी से कौन जलता है? जाहिर सी बात है, हमारे विपक्ष के जो लोग हैं जिनको ये लगता है, समझ में आता है कि एक बार ये जोड़ी बन जाती है तो फिर क्लीन स्वीप होता है, उन लोगों के पेट में दर्द होता है राजनीतिक रूप से, क्योंकि वो जानते हैं कि कई स्टैंड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मतलब नवल किशोर के पेट में दर्द है, आप पिछली बार आपने मानो कि देखा था कि इस गठबंधन में वाजपेयी जी के तो दर्द नहीं है ना पेट में? नहीं, हम तो नहीं मानते हैं, वाजपेयी जी हमारे गठबंधन के मजबूत साथी हैं। समय समय पर लोगों के बीच अलग अलग इश्यूज को लेकर मतभेद होते रहते हैं, लेकिन कोई मनभेद नहीं है और हमें नहीं लगता है कि किसी तो भी तरह है। क्या बात कर रहे हैं अभिषेक, एनडीए के अंदर नहीं है, बोलते आज सभी लोग बड़ी मजबूती के साथ। अरे चिराग पासवान और नीतीश कुमार के तो मनभेद ही है, मतभेद कहाँ है? आपको चुनाव हरवा दिया, इतना मतलब इतने कम सीटें करवा दी आपकी बीजेपी ने चिराग पासवान को इस्तेमाल करके, आज मंच पर नहीं आए वो। अरे जो एक टाइम फ्रेम में जो हुआ वो आपके सामने है, और उस घटना को लेकर जो प्रतिक्रिया हमें देनी थी वो भी हमने दी, लेकिन हम पीछे के गड़े मुर्दे उखाड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का प्रयास अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरीके से हुआ है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति आपने देखी ना। अरे अगर आप पुरानी बातें भूल गए तो फिर चिराग पासवान क्यों नहीं आए नीतीश कुमार जी को बताइए? अरे भाई, ये जवाब तो चिराग पासवान जी देंगे ना, उनकी क्या व्यस्तता रही होगी या क्या उनका स्टैंड है पार्टी का। चिराग पासवान जी की पार्टी के प्रवक्ता यहाँ उपस्थित हैं। एक तस्वीर आपने देखी ना मानक जी, किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी को खींचा। मैं वही वीडियो, एक सेकंड, मैं वही वीडियो दिखाने वाला था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो एक बार दिखाता हूँ मंच पर, अपने पीसीआर से कह रहा हूँ, जरा वीडियो दिखाइए। वो जब प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही थी तो नीतीश कुमार बाहर खड़े थे माला से, और वो भी चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री को माला पहनाई जाए, नीतीश कुमार जी माला के अंदर नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को हाथ पकड़कर माला के अंदर खींचा। ये देखिए जरा ये वीडियो, इसको थोड़ा पीछे से दोबारा दिखाइए, और आखिरकार नीतीश कुमार को माला के अंदर ये देखिए, ये पीएम ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा और ये देखिए माला के अंदर खींचा। केमिस्ट्री दिखाने की तो पूरी कोशिश है अभिषेक, पर आप कह रहे हैं इस जोड़ी से कुछ लोग जलते हैं, केमिस्ट्री से कौन जलता है? नवल, आप जल रहे थे क्या? ए मानक जी, हाँ वो भी दिखा दीजिए ना, जब नीतीश जी बोल, वो भी दिखा दीजिए विजुअल, कि जब नीतीश जी बोल रहे थे कि इधर उधर नहीं जाएंगे तो मोदी जी हंस रहे थे उनके बगल में। अच्छा, वो भी दिखा देता हूँ, ओके ऑल राइट, जरा अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूँ, जरा वो भी सुनवा दीजिए। जब नीतीश कुमार ने ये कहा, हम चले गए थे पहले, अब आ गए हैं, उन्होंने कहा हम गायब हो गए थे। हाँ, गायब हो गए थे, जरा चलाइए, प्ले करिए। थे आप, फिर पधारे हैं यहाँ, ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा।
अब नव